सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज वड्डी खबर दे नाल, किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर न्यूज 18 दे उत्ते एक्सक्लूसिव जानकारी। न्यूज 18 दे उत्ते सब तो पहला एक्सक्लूसिव जानकारी जो असीं तुहाडे तक पहुंचाई है, केंद्र सरकार ने किसानों नूं मीटिंग का सद्दा भेजा है। 13 नवंबर नूं रक्षा मंत्री के घर यह मीटिंग होवेगी। खेतीबाड़ी मंत्री ते रेल मंत्री भी इस दे विच मौजूद रहेंगे। खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों भेजा जाएगा मीटिंग का सद्दा। खेती कानूनों के उत्ते किसानों के नाल गलबात होगी। वड्डी खबर अज के दिन की, क्योंकि 14 अक्तूबर तो बाद गलबात अगे नहीं बढ़ रही थी किसान ते केंद्र दे विचाले, ते इस विचाले पंजाब बीजेपी के लीडर दे वल्लों कुछ पहल की गई ते पहुंच की गई केंद्र के मंत्रियों तक। ते न्यूज 18 के उत्ते सब तो पहला खेतीबाड़ी कानूनों के मुद्दे उत्ते जो रेड़का पिछले 1.5 महीने तो तकरीबन 2 महीने तो पंजाब चल रहा है, उस दे नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर। हर खबर असीं सब तो पहला तुहाडे तक पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 दे उत्ते असीं सब तो पहला यह जानकारी तुहानूं दित्ती है कि 13 नवंबर नूं सद्दा आ रहा है, 13 नवंबर नूं मीटिंग का सद्दा आ रहा है, यानी कि अज या कल दे विच सद्दा पहुंच जाएगा किसानों के कोल। 13 नवंबर नूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे घर मीटिंग होवेगी। जिहड़ा इह सद्दा है, इह सद्दा आएगा देश दे खेतीबाड़ी मंत्री दे विभाग दे वल्लों, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के वालों सद्दा आएगा। पर जी मीटिंग है, मीटिंग होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर। तो यह भी तुम्हें दस दिए कि जो जानकारी है कि इस मीटिंग के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उत्थे मौजूद होंगे, तीनों मंत्री होंगे। हालांकि जानकारी यह भी है कि पंजाब बीजेपी के प्रधान भी उत्थे हो सकते हैं। दूजे पास किसान जथेबंधियों के नुमाइंदों उत्थे सद्या जा रहा है। तो एक टेबल के एक पास किसान, दूजे पास केंद्र दे मंत्री। केंद्र सरकार हुण किसानां नूं मिलन जा रही है, 13 तरीक नूं मीटिंग सद्दी है। मीटिंग दे विच किहड़े-किहड़े मंत्री मौजूद रहणगे और मीटिंग की रूपरेखा की रहेगी, भाजपा के सीनियर आगू सुरजीत कुमार जैनी होरां तों पुछ लैने। जैनी साहब, 13 तरीक नूं दिल्ली मीटिंग सद्दी गई है, किहड़े-किहड़े मंत्री मौजूद रहणगे और किसान जथेबंदियां दे नाल की गलबात हो सकती है? असी कल राजनाथ जी नाल ते तोमर साहब नाल मीटिंग की सीगी और उहदे विच पंजाब दी स्थिति दे बारे सारी गल कीती सी। ते राजनाथ जी ने कहा सी कि मीटिंग जिहड़ी है घर दे माहौल दे विच, मैं भी किसान हाँ और किसान जथेबंदियां नूं असी इत्थे घरे सद्दांगे और सारा नाल बैठ के 3-4 घंटे पूरी किसानी दे बारे कोक करके और किसान दा हित नूं देखदे हुए असी उहनां दा काम जिहड़ा भी है डिमांड जिहड़ी गल है उह असी पूरी करांगे। तो उहदे विच इक तां राजनाथ जी बैठणगे और एक तोमर साहब, एक पीयूष गोयल जी बैठणगे और उन्होंने उत्थे इस टाइम गल कर ली सी और सानू भी तोमर साहब कोल असी भी गए सी, उन्होंने मिले सी। न्यूज़ 18 तुसी भी उत्थे इंटरव्यू करके आए और तुहानू भी इह गल सारी जिहड़ी खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा सी अगर अद्धी रात नूं भी किसान मिलन नूं कहणगे मैं मिलांगा, तो ये तुसी भी जाके आए सी, तुसी इंटरव्यू सब तो पहला ले सी उत्थे दिल्ली, तो वो दसदे सीगे कि न्यूज़ 18 ने साडे नाल गल कीती है, तो तुहानू सारी गल का पता ही है। हुण ज़्यादा गल करन दा कोई मैनूं लगदा नहीं है और मीटिंग 13 तारीख नूं होएगी और उहदे विच सारे मसले हल हो जाणगे। अब कोई कुछ मसले हल क्यों हो जाणगे कि हो इस तरह जाणगे कि साडी सेंटर दी नेतृत्व जिहड़े लीडर ने उह भी किसानां दा हित, किसानां दे फायदे की गल करते हैं और 31 जथेबंदियां जिहड़ी है किसानां दी, उह भी किसानां दी गल करते हैं। जदों दोनों किसान दे हित की गल करते हैं तो फिर मीटिंग दे विच कामयाब मीटिंग होना और गल्लां मननी मनाणियां इह तय है। इस मीटिंग दे विच 31 दी 31 जथेबंदियों नूं बुलाया गया, 31 जथेबंदियों के 31 नुमाइंदे जाणगे किवें जाणगे, जां फिर 31 जथेबंदियां जिन्हें किसान चाहन जां जिन्हें उन्हां दे लीडर चाहन वह जाणगे, कुछ इस तरीके नाल रूपरेखा तैयार की गई है? उत्थे राजनाथ जी ने बलबीर सिंह रजवाल नाल गल फोन ते कीती, 20 मिनट गल हुई, उन्हां नाल ही तय होया सी। राजनाथ जी ने कहा सी, उन्हां ने कहा सी भी तुसीं दसो, उन्होंने कहा असी तुसी तो भावें रात को 12 बजे आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, जदों तुहाडी इच्छा सानू दस दिओ, लिस्ट दे दिओ किन्ने बंदिआं ने तुसी आना है, तो असी उस तरह का बंदोबस्त करके आपां 3-4 घंटे बैठांगे और इत्थे वी साडा तुहाडा खाणा और सारी गल जिहड़ा मान सम्मान सारा इत्थे होगा और आपां किसानां दे हित विच तुसी हो, किसानां दे हित विच असी हैगे आ, आपां किसानां दा मसला हल कर लांगे। तो उन्होंने गल कही सी कि भी असी किन्ने बंदिआं ने आना है और तरीक भी उन्होंने देनी सी, उन्होंने कहा सानू 2-3 दिन दिओ, असी गल बैठ करके तो कर लैंदे आ। तो इन्होंने आपदा ही दसिया भी 13 तारीख में असं आ सकते हैं और वह सद्दा पत्र भी आ गया इन्हों को और 13 की मीटिंग जी होएगी वेद दिवाली तो पहले दिन, तो पूरे पंजाब खुशी की लहर होएगी कि किसानों के लिए चंकी दिवाली केंद्र सरकार जोड़ा वह मनाएगी ताकि
काली दिवाली या फिर ये कही कि रेल लाइना से जिहड़े किसान सो रहे ने या फिर टोल प्लाजा से किसान धरने दे रहे ने वह चीज़ खत्म करने की कोशिश होएगी, चंगी दिवाली होएगी किसानों के लिए? जो तो फैसला होएगा गल मनी जाएगी फिर दिवाली चंगी होएगी, फिर क्यों माड़ी होएगी? जो असी जी गल कह रहे हैं वह गल मनी जाएगी, वार्तालाप होएगी दो तीन घंटे तक, और भी समस्या उगर के सारे के सामने आएगी वह भी हल की जाएगी। यानी खाली ऐसे गलते किसानों की समस्या किसानों के हित की गल उस दिन बड़ी अच्छी होनी है, क्योंकि सेंटर ने कह दिता है कि कानून वापस नहीं लेते जाएंगे, तो कि कानून के अगर शोध करन की जरूरत पई शोध किया जाएगा या जिहड़े कानून बनाए गए ने उन्होंने समझाया जाएगा कि ये चंगे कानून ने जो केंद्र सरकार कह रही है तुहाडा फायदा होएगा जो केंद्र सरकार कह रही है, या फिर किसान जो कह रहे हैं कि शोध किया जाए MSP की लाइन लिख दी जाए, प्राइवेट घरानिया का डर है उस चीज़ की उन्होंने तसली कराई जाए, अगर शोध करन की जरूरत पई तो कानूनों में शोध भी किया जाएगा? जो तो किसान के हित की गल होएगी उसे सब कुछ होएगा, हुण मेरे कहन नाल या किसी होर कहन नाल तो नहीं है, हुण तो अपना मसला आखिरी पड़ाव से आ चुका है। नहीं, क्योंकि जो खेतीबाड़ी मंत्री ने तुसी मिल के आए हो वो शोध करन नूं तैयार है कि किसान कह रहे कि सिर्फ एक लाइन ऐड कर दो कि MSP नहीं हटेगी? एक गल मैं दसा भी आप गल ना ही करिए, जो आप करते हैं तो 6 साल हो गए मोदी साहब सरकार ने, MSP चल रही है, पार्लियामेंट के उन्होंने वादा भी करता, उन्होंने नीयत से कितने फर्क नहीं है, जो किसान किस तरह खुश होंगे जे वो इन्होंने जी तसली वो कराएंगे और करानी भी चाहिए है, किसान जो अन्नदाता कहने तो गल मसला हल हो जूगा। रेल मंत्री भी उस मौजूद रहेंगे, ट्रेना लैके भी, क्योंकि अज इंडस्ट्री मिनिस्टर साड़ी गलबात हो रही थी श्याम सुंदर अरोड़ा नाल, वो कह रही कि बहुत सारी इंडस्ट्री नूं ब्लैकलिस्टेड किया जा रहा, बहुत सारी इंडस्ट्री का दिवालियापन निकल रहा, बहुत सारी इंडस्ट्री का माल कैंसल हो रहा क्योंकि समान जिहड़ा वा दूजे सूबे च नहीं पहुँच पा रहा। नहीं, 45 दिन हो गए, अवस्था तो खराब है, ये कि दौरा है करोड़ों का नुकसान होया, सब का होया, 32,000 करोड़ का सिर्फ 2 शहर का नुकसान होया। जो ट्रेना बंद हो गया आवाजाई रुक जाएगी तो नुकसान तो होंगे ही है, नुकसान होया ही है, तो ये हम जी अपनी गल होएगी तो ठीक हो जूगा। उम्मीद करिए कि ट्रेना जीडिया वो दिवाली वाले दिन खुल जाएगी और लोग अपने घर आ सकन के दिवाली मना सकन। देखो असी उम्मीद नहीं है पूरी, जो जत्थेबंदियां कादे वास्ते ट्रेनें रोकी हुई हैं, कादे वास्ते ऐसे वास्ते ना भी गल मनी जाए, जो तो गल मनी जाए उन्हें धरने आपके चक देने हैं तो सारा कुछ माहौल जरा सारा। किसानों जो तुम्हें इनविटेशन भेजा राजेवाल साहब न बाकियों की कुछ उन्हों का कहना है, वो तो 12 तारीख में एक मीटिंग भी सद रहे हैं कि किन्ने बंदे जाएंगे की रूपरेखा रहेगी किस तरीके गलबात करनी है वो इसकी भी प्लैनिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्लैनिंग करके जाना ही है, अच्छा अच्छी है प्लैनिंग करके जान, पूरा खरड़ा तैयार करके जान ताकि गलबात अच्छी हो सके। अच्छा, राजनाथ सिंह होरां दे घरे मीटिंग होएगी और उन्होंने ये भी कहा कि जिन्ना मर्जी समा लग जाए किसानों के सारे शंके जिहड़े आ दूर किए जाएंगे। उन्होंने कहा मानता नहीं 2 घंटे लगे भावें 4 लगे, मसला हल होके गल मुकेगी उस दिन। तो किसानों के लिए एक चंगी खबर या फिर ये कही कि दिवाली जी है किसानों के लिए चंगी हो सकती है, केंद्र सरकार ने पहल की है और 13 नवंबर में जी मीटिंग दोपहर 12 बजे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरां दे घरे होएगी दिल्ली के, और उस रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे, हर कानून नवा कानूनों हर पूरे कानून लैके जी है वो चर्चा की जाएगी। कैमरामैन सुखजिंदर के नाल पंकज कपाही, News 18 चंडीगढ़। तो वड्डी खबर है इस समय, सब तो पहला न्यूज 18 के उत्ते एक्सक्लूसिव जानकारी असं जो तुम दे रहे हैं, सब तो पहला गलबात का सद्दा इसकी जानकारी न्यूज 18 ने तुहाडे तक पहुंचाई है। यह साडी जिम्मेवारी है कि पंजाब दे विच इस समय किसानों का धरना है तो उन्होंने लैके जो भी केंद्र की सरकार के वालों रणनीति बनाई जा रही है असी सीधी अपने दर्शकों तक पंजाब के किसानों तक पहुंचाइए। खेतीबाड़ी मंत्री का सद्दा असी तुम दसिए कि सब तो पहला आने वाला है तारीख की होएगी, यह भी सब तो पहला असीं तुहाडे तक जानकारी पहुंचाई। BJP लीडरां दी जिहड़ी मुलाकात दिल्ली च हो रही थी उस दीआं तस्वीरां जानकारी अंदर की होया सब तो पहला आके लीडरां ने न्यूज 18 दे नाल गलबात की। कोशिश साडी यही जो बार बार मैं कह रहा साडी कोशिश यही है, जिम्मेवारी साडी यही है कि असीं पंजाब दे लोकां तक पूरी जानकारी पहुंचाइए कि इस समय की कुछ गलबात किहड़े लैवल दे उत्ते गलबात किवें अगे दी रणनीति उलीकी जा रही है। BJP लीडर दिल्ली पहुंचे सन, तुसी पिछले 72 घंटे का पूरा घटनाक्रम देखो, पिछले 3 तो 4 दिन का घटनाक्रम देखो, सुरजीत जियाणी की स्टेटमेंट कि पंजाब की लीडरशिप केंद्र तक जमीनी हकीकत नहीं पहुंचा रही, फिर सवाल होया कि तुसी पहुंचा दो, तुसी क्यों नहीं पहुंचा रहे। तो उस तो बाद सुरजीत जियाणी, अरजीत गरेवाल, बिक्रम सिंह चीमा, ये 3 लीडर पंजाब पहुंच गए, पंजाब तो दिल्ली पहुंच गए, पहला मुलाकात की गई
राजनाथ सिंह होरां दे नाल। राजनाथ सिंह होरां दे नाल मिलन दा समां मिलिया सी, देश दे रक्षा मंत्री नाल मुलाकात की, उत्थे गल रखी अपनी सारी कि किसान इस समय पंजाब दे की सोच रहे ने, की उन्हां दी मंगां ने। उस तो बाद खेतीबाड़ी मंत्री नाल भी मुलाकात का समां मिलिया, नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल भी गलबात की। यह मुलाकात एक दिन पहला हुई है, तो उस तो अगले ही दिन एक चंगी खबर निकल के सामने आ गई, क्योंकि इंतजार हो रहा है कदों आता है केंद्र का सद्दा, कदों मंत्री बैठेंगे किसानों के नाल एक टेबल के उत्ते। दिल्ली च मुलाकात की जानकारी बिल्कुल जो कुछ भी उत्थे होया तुहाडे तक पहुँचाई, सब तो पहला न्यूज़ 18 ने सब तो पहला सद्दे वाली खबर भी असीं तुहाडे तक पहुँचाई कि 13 तरीक का सद्दा छेती किसानों के कोल पहुँच जाएगा। रुक करते हैं पंकज कपाही मेरे सहयोगी इस समय साढ़े नाल ने। पंकज, समझना चाहवांगे पिछले 24 घंटिया दे विच की कुछ हालात बदले ने, ते जो कुछ हुण तक घटनाक्रम नजर आ रहा है, जो सवाल तुसीं सुरजीत जियाणी नूं भी कीता सी कि उम्मीद की जाए कि किसानों की दिवाली उन्हां दे घर होएगी, धरने प्रदर्शनों ते नहीं होएगी, टोल प्लाजिया ते नहीं होएगी, रेलवे स्टेशनों ते नहीं होएगी, चिंता मुक्त होएगी, जिहड़ी MSP नूं सरकारी खरीद नूं लैके उन्हां नूं इस समय चिंता है, अपने भविख नूं लैके जो चिंता है, एक वधिया दिवाली 14 तरीक वाली इस बार 13 तो बाद 13 दी मीटिंग तो बाद ही होएगा। पंकज बिल्कुल गौरव, क्योंकि पहला मीटिंग ये दिवाली तो बाद रखी जानी सी, लेकिन केंद्र सरकार ने पहल की, एक चंगी पहल की कि दिवाली तो पहला यह मीटिंग सदी गई। 13 तरीक नूं 12 बजे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरां दे घर यह मीटिंग होएगी, और यह सवाल बकायदा तौर पर न्यूज़ 18 ने सुरजीत कुमार जैनी नूं पुछया कि सिर्फ चर्चा की जाएगी या फिर सोध किया जाएगा, कि किसानों के शंके दूर किए जाएंगे या एक फॉर्मल मीटिंग होएगी। तो सुरजीत कुमार जैनी काफ़ी किसानों नूं भरोसा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर शंके दूर किए जाएंगे, चाहे मीटिंग 3 से 4 घंटे लग जाए, चाहे MSP की गल हो, चाहे प्राइवेट सैक्टर की गल हो, हर मसले के उत्ते खुल के गलबात किसानों के नाल की जाएगी, हर उन्होंने शंके जोड़े वो दूर किए जाएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जोड़े किसान पिछले 45 दिन तो रेल लाइनों के उत्ते सो रहे हैं, अपना घर बार छड़ के टोल प्लाजे पर बैठे हुए हैं, धरने दे रहे हैं वक् वक् थावां ते, वो अपने घर अपने परिवार के नाल दिवाली मना सकन, केंद्र सरकार उन्हां दी गल सुने, केंद्र सरकार दे लई एक जिहड़े शंके पैदा हो रहे ने किसानी नूं लैके, चाहे MSP दी गल कीती जावे, किसानां नूं लगातार शंका है कि नवें कानून MSP खत्म कर देगा, नवें कानून जिहड़े है वह प्राइवेट घरानियां दी एंट्री जिहड़ी होएगी तां उन्हां दी हालत वो हो जाएगी जो उत्तर प्रदेश बिहार वर्गे किसानां दी है। ये तमाम शंके जिहड़े ने वो किसान खुल के गलबात जी है और रक्षा मंत्री के घर के सामने घर के अंदर जी मीटिंग होएगी, 12 बजे मीटिंग है, और इस दे विच नरेंद्र सिंह तोमर खेतीबाड़ी मंत्री ने 4 दिन पहला न्यूज़ 18 ते इस गल का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि किसानों को बुलावांगे। न्यूज़ 18 ने 4 दिन पहला दिल्ली जाके खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल गलबात की सी, और उस विच तोमर साहब ने कहा सीगा कि असी किसानों को बुलाने के लिए तैयार हाँ, किसान साडे नाल गलबात कर सकते हैं, और वह समा 4 दिन बाद मुकर्रर किया गया, 13 तरीक नूं हुण जिहड़ी है दिवाली तो एक दिन पहला उम्मीद की जा रही है कि किसान अपने घर अपने परिवार के नाल दिवाली मना सकन, कि उन्होंने जिहड़े शंके ने वो केंद्र सरकार दूर करेगी। गौरव जी बिल्कुल, तो एक चंगी खबर इस समय किसानों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, जो ये पूरा प्रदर्शन चल रहा उस विचाले कि जल्द ही केंद्र की सरकार के नाल मुलाकात हो जा रही है। 13 तरीक का दिन मुकर्रर किया गया, शुक्रवार का दिन, तो उस दिन एक गलबात होएगी। केंद्र के सद्दे ते कांग्रेस का पहला बयान भी आ गया। पंकज, मैं थोड़े को वापस आवांगा, इस समय एक होर वड्डी खबर है, उसका रुख करते हैं। केंद्र सरकार के वालों सद्दा दिता गया 13 नवंबर में यह मुलाकात होएगी, तो इस विचाले कांग्रेस की पहली स्टेटमेंट वो भी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस कह रही है शुक्र है केंद्र नूं गरीबां दी याद आई, किसानों के मसले हल करे केंद्र। पंजाब कांग्रेस के वालों स्टेटमेंट भी सामने आ गई है, सियासत एक पासे ते तुसीं कह सकते हो कि नाल नाल जरूर चल रही है इस समय, पर दूजे पासे जिहड़ा जो लगातार मैं जिक्र कर रहे हैं कि एक चंगी खबर जरूर है कि हुण 13 तरीक नूं किसान जथेबंदियां केंद्र के मंत्रियों के नाल बैठणगियां ते गलबात होवेगी, ते उम्मीद यही की जा रही है जिवें पंकज जिक्र कर रहे सी, सुरजीत जियाणी नाल असीं गलबात की है, तो असं यही गलबात कर रहे थे कि इस बार दिवाली वधिया होएगी, किसान जो 2.5 महीने तो तकरीबन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। राजकुमार वेरका की कहते हैं कांग्रेस के लीडर ने विधायक ने, वो तुम सुनवाते। राजकुमार जी, केंद्र सरकार ने किसानों 13 तरीक नूं मिलने का सद्दा दिता है, की कहोगे? भाई ये स्वागत है, केंद्र सरकार ने देर आए दुरुस्त आए,
चलो किसी गरीब की गल सुननी शुरू की, किसान सड़कों पर रोल रहा है, किसान खुदकशियां कर रहा है, गां सर्दी उतर रही है और किसान रेलवे लाइन के उपर भुखमरी के नाल दम तोड़न ते मजबूर होया पिया। मैनू आस है कि केंद्र सरकार एक किसानों का दुखड़ा ठीक तरह नाल सुनेगी, किसानों के मसले नू हल करेगी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी लोगों की तकलीफ नू मुख रखते हुए किसानों नू पसेंजर ट्रेना चलाने वास्ते भी अपील की है। लेकिन ये नाल नाल असी केंद्र सरकार नू भी अपील करते हैं कि वह किसानों के मसले हल करन ताकि ये सारे जिहड़े समस्यावां ये हल हो। कांग्रेस का पहला बयान तो आ गया, कांग्रेस के वालों कहा जा रहा है कि ठीक है या शुक्र है केंद्र नूं गरीबां दी याद आई, यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र हल करे मसलियां नूं। एक बार मैं फिर तो दोबारा वड्डी खबर दसदा अपने दर्शकों नूं की है। वड्डी खबर यही है कि किसानों नूं सद्दा आ रहा है केंद्र दे वल्लों, बीजेपी लीडरां दे वल्लों साफ कर दिता गया कि इनविटेशन तैयार है, वह पहुंच जाएगा कुछ ही घंटों के विच या सवेर तक जिहड़ा जिसका इंतजार किया जा रहा है। मंगलवार तक यह सद्दा पहुंच जाएगा, 10 तरीक होएगी, 13 तरीक का दिन मुकर्र किया गया है शुक्रवार, दिवाली तो एक दिन पहला, इस बार 14 तरीक की दिवाली है ते दिल्ली के विच मुलाकात होएगी, राजनाथ सिंह के घर के विच यह मुलाकात होएगी। सद्दा आएगा खेतीबाड़ी मंत्री के वलों क्योंकि पूरा मुद्दा जिहड़ा एग्रीकल्चर के नाल जुड़िया होया। रुक करते हैं पंकज कपाही का एक बार फिर तो, पंकज असी जिक्र कर रहे हैं दिवाली का कि इस तो पहला चंगी खबर आ सकती है, सुरजीत जियाणी जेकर दस रहे हो कि किस एजेंडे के उत्ते गलबात होएगी, क्योंकि किसान कहते हैं कि सानू समझाओ ना कानून, सानू पता है कानून की है, नवे कानून की बनाए ने, किस एजेंडे उत्ते गलबात होएगी। दूजी चीज ये भी जेकर दस सको माल गड्डिया लैके 13 तो पहला कोई फैसला हो सकता है। बिल्कुल गौरव, एक तो क्योंकि इस बार कोई सैकटरी लैवल की मीटिंग नहीं है, इस बार मीटिंग जी है वो मंत्री लैवल की है और मंत्री कोई आम नहीं, तीन मंत्री कोई आम नहीं, रेल मंत्री इस बैठक के विच ने, खेतीबाड़ी मंत्री इस बैठक के विच ने, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर ने, जो वड्डे किसान आगू कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस मीटिंग हिस्सा बन रहे हैं और हर मसले के उत्ते किसानों के जोड़े शंके ने उन्हों शंकों दूर करन की केंद्र सरकार कोशिश करेगी। लेकिन सवाल इस वे पैदा हो रहा है किसानों के मन के इस वे सवाल पैदा हो रहा है कि कानूनों के सोध किया जाएगा, किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार नवे कानूनों के सोध करे। गौरव लगातार ये कहा जा रहा है कि MSP की लाइन एक ऐड की जाए कि MSP नहीं हटाई जाएगी। देखो बिल्कुल यही मांग है किसानों की कि केंद्र खेती कानून का कानूनों के उत्ते सोध करे। शुक्रिया पंकज, धन्यवाद सा जुड़न रहे इस पूरी गलबात रही, उम्मीद है 13 तरीक की मीटिंग सार्थक हल जरूर निकलेगा। इस बुलेटिन फिलहाल के लिए नहीं, इजाजत दियो, धन्यवाद।